ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि एक बोट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 127 डिग्री से जो है स्टीर कर रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 120 डिग्री एंगल है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल होएगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री बना रही है वो। बोट की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आर, और जो वाटर है उसकी वेलोसिटी है, या रिवर जो है उसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आर, और इसकी 5 किलोमीटर पर आर बोट की। और जो दोनों एंड्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 1200 मीटर है। हमको पता लगाना है कि क्योंकि अगर बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो इधर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो रिवर है वो उसको कुछ इस डायरेक्शन में ले जाएगा, तो इसलिए उसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोट ने ट्रेवल करना है। और वही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोट ट्रेवल करेगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब एक एंड से अपोजिट एंड पे जाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, सारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो टाइम होएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले रहा हूँ तो मुझे स्पीड भी इस डायरेक्शन में चाहिए, अगर मैं ये वाली स्पीड ले रहा हूँ तो मुझे डिस्टेंस भी ये वाला चाहिए। तो क्योंकि मेरे को ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 1.2 किलोमीटर। और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बोट की, इस डायर यहाँ पे तो है 5 किलोमीटर पर आर, तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 5 cos 37। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1.25 cos 37, दैट इज़ 4/5, तो 0.3 आवर्स लगेंगे इसको इस एंड से उस एंड पहुँचने पे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पहुँच रहा है, तो टाइम हमको पता लग गया कि इस वाले एंड से दूसरे एंड पे पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। अब जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो एक्चुअल में वो इधर पहुँच रहा है, इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, तो मैं यहाँ पे ओ ए बी लिख देता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, ये 2D मोशन हो रहा है, यहाँ पे जा तो ऐसे रहा था लेकिन पहुँच ऐसे रहा है वो। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको, वो टोटल टाइम एक्चुअल में ये वाला टाइम भी है, क्योंकि उसका जो मोशन है वो 2D मोशन है, वो वर्टिकली भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है, ठीक है ना, दोनों मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भी डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। अब नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है देखो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर। तो मेरे को जो रिवर की वजह से नेट फ्लो आ जाता है उसमें, ठीक है ना, उसकी खुद की भी कुछ वेलोसिटी है, कुछ रिवर की वेलोसिटी है, तो नेट जो ड्रिफ्ट आती है उसकी ए से बी में वो निकालनी है मेरे को। तो देखो रिवर की स्पीड है इस डायरेक्शन में 4 है ना, मैन की स्पीड है रिवर के अपोजिट इस डायरेक्शन में 5 sin 37, क्योंकि यहाँ पे मैन की या बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आर, तो उसकी बोट की स्पीड का यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा 5 37। तो नेट स्पीड जो हॉरिजॉन्टल में है वो है 4 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट स्पीड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 माइनस 5 37, उसकी वजह से ड्रिफ्ट आएगी 4 माइनस 5 sin 37। और टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमारे पास 300 मीटर या 0.3 किलोमीटर आ जाएगा।